हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, की हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे होंगे मेरे संग। तो आज मेरा डे 15 है और वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ। 18 केजी में वेट लॉस कर चुकी हूँ अपना, अभी 10 केजी का टारगेट है। 10 केजी कहाँ रहा, 74.55 पे पहुँच गई 92.20 से। तो मुझे 69 वाला नंबर चाहिए, 6 वाला नंबर चाहिए। तो कितना बचा, 5.5 किलो मुझे और लूज करना है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, कौन कौन वैसा अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला है रमज़ान में। हमें हेल्दी ही खाना है और घर वालों को भी हेल्दी खिलाना है। कोई स्पाइसी नहीं, कोई फ्राई फूड्स नहीं और जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं। हम अपना हेल्दी बनाएंगे, जैसे जैसे मैं करूँगी, जो जो मैं बनाऊँगी उस तरीके से आप बनाना, और अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। और हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और इन्जॉय करते हुए अपने वेट लॉस जर्नी करो, ठीक है। इन्जॉय करते हुए करोगे, खुशी खुशी करोगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप सोचोगे ना, हाय हम तो वेट लॉस जर्नी पर हैं, हमें तो ये नहीं खाना, हमें तो वो नहीं खाना है, मैं ये नहीं खा सकती, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे और सेंटी सेंटी रहोगे तो नेक्स्ट डे वेट भी नहीं जाता। ये भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं उदास होती थी तो मेरा वेट नहीं जाता, जब मैं खुशी खुशी अपनी वेट लॉस जर्नी करती थी तो मेरा वेट चुटकियों में जाता था। तो ऐसा करना है, ठीक है। बाकी चलो अभी मैं आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मिड ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक सुबह 7 बजे में ले ही लेती हूँ और हमेशा चेंज कर करके ही लेती हूँ ताकि मेरी बॉडी को एक ही चीज़ की आदत ना पड़े। तो मैंने क्या करा, पहले पानी गर्म करा, उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी टर्मरिक, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और पीना है, हल्का सा वार्म वाटर लेना, ज़्यादा तेज़ नहीं लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। तो जी ये रहा मेरा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, टर्मरिक ब्लैक पेपर वाटर, ठीक है जी। आप इसके बदले जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या फिर मेथी दाना वाटर ये सब ले सकते हैं या फिर कोई सा भी जूस। ब्रेकफास्ट में 8-8:30 के बीच कर ही लेती हूँ और ज़्यादातर मैं चाय ही लेती हूँ। और देखो 2 टेबलेट्स मैंने इसमें डाल रखी है पहले ही, शुगर फ्री वाली, और 2 बॉइल्ड एग, ठीक है। आप चाहें तो ऑमलेट, पराठे, शराठे, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हो, बट याद रखें कि आपको 1 स्पून देसी घी से ही बनाना है अपना पराठा, ठीक है। और सेकने के बाद लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, सेकते वक्त लगाएंगे तो ज़्यादा ही लग जाएगा। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, 2 ब्राउन ब्रेड, मिल्क टी, 2 बॉइल्ड एग, एग मैं पूरे ही लूँगी, ठीक है। फिर आते हैं जी मिड ब्रेकफास्ट में, जिसमें मैंने बनाई थी ग्रीन टी, साथ में है नट्स, ये रोस्टेड हैं तो मैंने ले लिया थोड़ा सा। और आप इसके बदले कोई फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब मिड ब्रेकफास्ट के ही फ्रूट्स हैं, ले सकते हैं, इवनिंग में ना लेंगे वाले फ्रूट्स, ठीक है जी। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो ब्लैक टी बना लो, ठीक है जी। उसके बाद लंच पर आ जाते हैं। देखो जी, कल भी मैंने आलू का पराठा लिया था और आज भी आलू का पराठा ही लिया है, क्योंकि भुरता रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो यही बना लें। और देखो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, पहले मैंने पराठे को सेक लिया, ठीक है, और उसके ऊपर से घी लगा रही हूँ 1 स्पून। ऐसे ही आप खाएंगे, कभी भी वेट गेन नहीं होगा। लंच में और ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो, डिनर में मत लेना। अगर बाई चांस लाइट करा है अपने लंच तो डिनर में भूख लगेगी, तो 6 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ दूध ले सकते हो, तभी जाके आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस जर्नी में। तो इस तरीके से याद रखें छोटी छोटी बातें। तो जी बस मैं बैठ गई, सब इन सबों को मैंने गरम गरम दे दिया, लास्ट में मेरी बारी आती है खाने की, तो अब मैं खा रही हूँ। और याद रखें सुकून से बैठ के खाना खाएं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल अभी सामने है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी सी आपके लिए। और 32 टाइम च्यू करके खाएं, 32 तो नहीं हो पाता, मैं 25 कर लेती हूँ। और यह जयान थम्स अप दिखा रहा है, कह रहा है वीडियो को लाइक करो। और आज भी मैंने पराठा ही खाया है, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल से मतलब कोल्ड कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कल का भुरता रखा हुआ था घर में, सबको वही खिला दिया, मैंने भी वही खा लिया। और आपने देख लिया किस तरीके से मैं अपना पराठे बनाती हूँ, मैं सारे पराठे खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी ले लेती हूँ अजवाइन का पराठा और 1 स्पून देसी घी से, 1 स्पून या देसी घी ब्रेकफास्ट में ले लो, कोई भी नुकसान नहीं देता। बस ये है कि अगर डिनर में और लंच में लोगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगे तो फिर नुकसान देगा डिनर में भी। डिनर में अवॉइड करो देसी घी हो या कुछ भी हो, 0 सॉल्ट का डिनर करोगे या फिर रोटी नहीं लोगे, काप्स वगैरह, तो जल्दी से वेट लॉस होगा, जैसे फास्ट वेट लॉस करना है, ठीक है। अभी मुझे नहीं करना फास्ट वेट लॉस, मेरा जैसे जा रहा है उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, कम से कम जा तो रहा है ना घर का हेल्दी खाना खाकर।
बाकी चलो इवनिंग स्नैक का देखूंगी क्या लूंगी अभी, और जो भी होगा आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते, हाँ ये बात कहना मैं भूल जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ हर वीडियो में पहले ये बोल दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, मोटिवेशन के लिए मुझे हिम्मत मिलती है आके और वीडियोज़ बनाने के। और देखो मेरा ना सांस फूल रहा है बोलते में भी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है ना, उसमें ना सांस फूलता है बोलने में भी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बताना कॉमेंट में। और जी चलो पारी को बता देती हूँ, मैंने ना अभी जैसे लंच करा था तो लंच तक मेरा 1 लीटर पूरा हो गया, तो उसके बाद ये मैंने 1.5 लीटर की बॉटल और भर के रख ली है, ये भी मुझे पूरा करना है। और चलो सिर्फ हाँ ये चीज गिर गई, गिर जाती, क्या हो रहा है। एक चीज़ और, हाँ पानी का ध्यान रखोगे, अच्छे से पियोगे, लेकिन सिप सिप करके पीना, गटर गटर मत करना। मैं हमेशा बोलती हूँ वाटर रिटेंशन हो जाएगा, फिर ब्लॉटिंग आ जाएगी, आप कहोगे यार हमने तो पानी अच्छे से पिया था जब भी वेट नहीं गया हमारा। तो ये छोटी छोटी बातें उसका ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से वेट लूज कर पाओगे। अभी आपको पता है मुझे कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कॉफ़ी की क्रेविंग हुई, तो मैंने ना इवनिंग में कॉफ़ी बना ली थी, तो यही रहा मेरा इवनिंग स्नैक। आप इसके बदले ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, साथ में नट्स या ब्राउनी या फिर कोई भी मखाने, मूंगफली, चना ब्लैक, ये सब ले सकते हैं, या कोई भी फ्रूट। चलो जी इवनिंग स्नैक भी आपने देख लिया। अच्छा हाँ, जिसके भी मन में कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए तो प्लीज़ कॉमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगी, रिप्लाई दूंगी। जो भी हो आपका सवाल मेरे लिए, मेरे से कुछ पूछना हो वेट लॉस जर्नी के लिए, मतलब वेट लॉस के लिए कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। जो जो मुझे मालूम है मैं चाहती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ, जैसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी करी है, कर रही हूँ, तो वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हो आप, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, सबके कॉमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और जैसे ही मैं तो आते हैं ना, तो मेरे पास मोबाइल होता है ज़्यादातर हाथ में, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में लगी रहती हूँ पूरा दिन में, तो उसी वक्त मैं रिप्लाई दे देती हूँ। आजकल मेरा टाइम जो है डिनर करने का 7:30 बजे का है, ठीक है, चाहे मैं रोटी खाऊं या सैलेड खाऊं, यही टाइम मैंने सेट कर रखा है। तो यहाँ पर चिकन रोस्ट करा था ज़ीरो ऑयल में मैंने, जैसे चिकन तंदूरी होता है वही मसाला लगाया था मैंने, घर का ही मसाला लगाती हूँ, कोई बाहर का कुछ नहीं। साथ में जितनी भी वेजिटेबल्स थी इसके साथ मैंने सोटे कर लिया, ठीक है, ज़ीरो ऑयल, कुछ भी ना सॉल्ट, दाना मैंने वेजिटेबल्स में, सिर्फ चिकन में सॉल्ट था, वो भी पिंक सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना चिकन का सैलेड तैयार करा, साथ में ऊपर से वाइट तिल होते हैं ना वो इसमें डाल दिए थे, और हेल्दी करने के लिए। तो ये रहा मेरा डिनर, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करने से ये होता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और आगे मैं हिम्मत आती है मुझे वीडियोस बनाने की, कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और ये रहा मेरा आज का डिनर, आप भी इस तरीके से खाएं। अगर आपको दाल रोटी सब्ज़ी खानी है तो 6 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर लो। चलो जी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके पास मेरी वीडियो को पहुंचा दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके मेरे से, मेरी वीडियो से, कि भाई वे कर रही हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो कल मिलती हूँ डे 16 पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का अपने साथ साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो, बाय बाय।